अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नसीम नदीम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश, मलाई बोटी। तो मलाई बोटी में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे? 1 kg चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह के 2 इंच के क्यूब बना लिए हैं। आपने भी इस तरह के क्यूब बना लेने हैं। 1/2 teaspoon हमें सब्ज़ इलायची पाउडर चाहिए, 2 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई मिर्चें, 1/2 cup क्रीम चाहिए, टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम चाहिए, 2 teaspoon हमें नमक चाहिए, 1 teaspoon वाइट पेपर सफ़ेद मिर्चें हैं, लेमन जूस चाहिए हमें हसबे ज़रूरत, और अगर आप फ्रेश लेमन इस्तेमाल करना चाहें तो 3 अदद आप लेमन इस्तेमाल करेंगी इतनी क्वांटिटी में। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं क्रीम ऐड करूँगी, बॉल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। क्रीम में सॉल्ट ऐड करेंगे, सफ़ेद मिर्ची डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स और सब्ज़ इलायची पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास घर में खुला दूध आता है और मलाई आपके घर में होती है तो आप क्रीम की जगह फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम, फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी ब्रांड आपको पसंद हो। बैटर हमारा तैयार हो गया है, मसाला मिक्स हो गया है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। हमने डाल दिया। अब हम लेमन जूस ऐड करेंगे, मैं 2 tablespoon डालूंगी। अब मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने बैटर को लगा लेना है, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से बैटर लग गया है। अब हम चिकन को 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेशन टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर इनको हम कुक करेंगे। अब इनको हम कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद मिलेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम मलाई बोटी तैयार करेंगे। इससे पहले मैं आपको शाशले की स्टिक दिखाऊंगी। इस तरह की आपको शाशले की स्टिक चाहिए होंगी, आम मिल जाती हैं ये, आपने कहना है कि शाशले की स्टिक चाहिए और ये आपको कहीं से भी बाज़ार से आम मिल जाती हैं। तो अब इसमें हम मलाई बोटी फ्राई करेंगे। अब ये शाशले की स्टिक में मैं मलाई बोटी डालूँगी। इस तरह से आपने एक एक क्यूब लेना है और इस तरह से आपने इसको इस तरह से डाल देना है। आप अपनी स्टिक के हिसाब से चाशलेट डालना, ये बड़ी भी होती हैं, ये छोटी हैं, तो मैं इसमें 4 पीस मैंने डाले हैं। और आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी रखना है। ये देखिए मैंने भी थोड़ा सा स्पेस रखा है। अब ये मैं इसी तरह सारी स्टिक तैयार कर लूँगी। पहले हम स्टिक तैयार कर लेंगे, फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह आपने देखिए इस तरह से एक डालना है, प्लीज 2 डालेंगे। और
चुके हैं, एक पीस मैं इस तरह डालूंगी और इस तरह मैं दूसरी स्टिक भी तैयार कर दूँगी। आपने भी इस तरह से पहले स्टिकें तैयार कर लेनी है क्योंकि फिर आसानी हो जाएगी आपको। स्टिकें हमारी तैयार हो गई हैं, अब इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा बटर डालूंगी मैं, आप अगर कुकिंग ऑयल में फ्राई करना चाहें तो उसमें भी आप कर सकती हैं। मक्खन से ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, वैसे भी हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, वैसे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। आप हर चीज़ घर में बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। अगर आपको एक मरतबा ख़राब हो जाए, दो बार हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका हाथ परफेक्ट हो जाएगा बार बार बनाने के बाद। अब मैं इसमें स्टिकें रखूँगी, अब इसमें हम शाशलिंग स्टिक रखेंगे। इस तरह से आपने स्टिक रख देनी है और फ्लेम आपने मीडियम रखना है। अगर हाई फ्लेम होगा तो ये ऊपर से तो सिकेंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी, तो इन्हें हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई होंगी। मेरा फ्राई पैन बड़ा है, आप अपने फ्राई पैन के हिसाब से जितनी स्टिकें आएँ आप रख लें। अब इनके हम एक साइड सिकने देंगे, जैसे जैसे सिकती जाएंगी हम इनकी साइडें भी चेंज करेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो अभी हम पकने देंगे इसे। मलाई बोटी हमारी एक साइड सिक चुकी है, इसकी साइड चेंज करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है। आप घर में बनाएं और मज़े से खाएं और अपने घर वालों को भी बना के खिलाएं। इस तरह से इसको हम खा के फिर करेंगे। इसको हम चिमटे से कर लेते हैं, रोल हो गई थी। अब ये साइड भी हम इसी तरह सिकने देंगे लो फ्लेम पर ताकि भोटी हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। दूसरी साइड भी हमारी सिक चुकी है, अब मैं इसे 5 मिनट ढककर पकाऊं ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जब हम कोई चीज़ बनाएं अगर हम इसे ढक के पकाएं तो अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो अब ये 5 मिनट हम लो फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हमारी मलाई बोटी स्टिक जो है वो तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो बाकी स्टिकें भी हम इसी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। अब ये मैं निकाल लूँगी और मैं दूसरी रखूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी मलाई बोटी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी मलाई बोटी कैसी बनी है। ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनेगी। अल्लाह हाफिज़।